स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, 9 क्लास मैथ्स. देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है, और आपको बताना है इस इक्वेशन को कौन सा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई क्यों करेगा. अब देखिए यहाँ पे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या है, कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है. तो यहाँ से आपको देख के साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है और जो वेरिएबल वाई है इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है. तो एक ऐसी इक्वेशन है, ये है आपकी लीनियर इक्वेशन. और वेरिएबल चेक कीजिए कितने वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है. कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है और जहाँ पे कितने वेरिएबल हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल है. और जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन हो और जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो तो उस इक्वेशन के होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. कैसे होंगे, देखिए कैसे होंगे. अगर मान लिया हमने यहाँ पे x या y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम रख दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी. जैसे कि देखिए आप इक्वेशन क्या है हमारे पास, y है इज इक्वल टू 3x+5. मान लिया मैं यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल रख रही हूँ, 1 के इक्वल. तो y की वैल्यू चेक करनी है मुझे कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 3 × x में मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, प्लस 5. y इज इक्वल टू 3+5 इज इक्वल टू 8. मतलब कि मैंने x की जगह पे रखा है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 8 आई है. एक तो यही सॉल्यूशन हो गया हमारे पास. अब दूसरा फिर से कर लीजिए, अब यहाँ पे रख लीजिए x की वैल्यू 2 रखिए, फिर देखिए क्या आएगा आपके पास सॉल्यूशन. मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, अभी 2 रखना है. तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 5. y इज इक्वल टू 6+5, y इज इक्वल टू 11. अब देखिए x हमने कितना रखा था, 2 रखा था, और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 11 आई है. फिर से रख के देख लीजिए, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 × 3+5, y इज इक्वल टू 9+5, y इज इक्वल टू 14. x कितना रखा हमने, 3 रखा, और y की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है. तो यहाँ से आपको अंडरस्टूड क्या करना है कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. पता चल गया होगा आपको, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी हमारे पास. x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 8 आई है, 2 रखी है तो 11 आई है, 3 रखी हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है. तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इसका ऑप्शन आपका ये राइट है. अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर होगा आपका एक ही सॉल्यूशन होगा. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 3x+5 = 0. देखिए लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल एक ही है तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. और जब भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक ही आएगी. अब देखिए क्या आएगी x की वैल्यू, 3x इज इक्वल टू, राइट साइड शिफ्ट हुआ तो क्या आ गया, -5. एक्स इज इक्वल टू -5/3. तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है, -5/3 आ गई है. तो यहाँ पे हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा अगर आपकी इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी और वेरिएबल्स कितना होगा, 1 ही वेरिएबल होगा. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, कब आएंगे, जब आपकी लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे. एक और लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, ये कब आएगा आपका, ओनली 2 सॉल्यूशन. 2 सॉल्यूशन कब मिलते हैं हमें, जब हमें इक्वेशन कैसी मिली हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी 2x² + 5 = 0. तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है. तो कैसी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने सॉल्यूशन आएंगे आपके, 2 सॉल्यूशन, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट 4 सॉल्यूशंस. हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. हमें इक्वेशंस गिवन मिलेंगी और हमें उसके बोला गया है यहाँ पे कि 4 सॉल्यूशंस हमें उसके लिखने हैं. अभी जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, x की वैल्यू हम रखेंगे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, या फिर y की वैल्यू रखें हमें x की वैल्यू मिल जाए, तो वो क्या होंगे हमारे सॉल्यूशंस. तो पहले देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास,
2x plus y is equal to 7. हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, मान लिया हमने x की वैल्यू पुट कर ली है 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन क्या है, 2x plus y is equal to 7. 2 into x जगह हमें कितना पुट करना है, 0 plus y is equal to 7. ये पूरा 0 हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा है, y बचा है, 0 plus y is equal to 7. y is equal to 7. देखिए हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0 रखी थी, y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 7 आ गई है, तो सॉल्यूशन आ गया ना हमारे पास एक. तो कैसे लिखेंगे हम, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे, तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 0 7, ये x है और ये क्या है, y है. हमें कितने सॉल्यूशंस लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. अब इसी तरह आप x की वैल्यू कितनी पुट कर लो, 1 पुट कर लो, फिर y की वैल्यू चेक करो कितनी आई आपके पास, इक्वेशन क्या है, 2x plus y is equal to 7. x में आपको कितना रखना है, 1 रखना है, plus y is equal to 7. 2 plus y is equal to 7. y is equal to 7, ये जो 2 है आपका राइट साइड जाके साइन चेंज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, y is equal to 5. तो देखिए आपने x कितना रखा था, 1 रखा था, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में हम लिखते हैं y की वैल्यू. तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 1 5. और आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रखते जाइए x की, आपके पास y की वैल्यू अलग अलग आपको नजर आते जाएंगे. अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं 2, चेक कीजिए y की वैल्यू क्या आएगी. पहले इक्वेशन लिख रहे हैं हम, 2x plus y is equal to 7. x की हमें क्या रखना है अभी, 2 plus y is equal to 7. 4 plus y is equal to 7. y is equal to 7 minus 4. 4 को हम राइट साइड लेके गए, साइन हो गया है चेंज. y is equal to 3. x कितना रखा हमने, 2 रखा. y कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया. तो तीसरा सॉल्यूशन आ गया ना हमारे पास, 2, 3. इसी तरह हमें निकालना है फोर्थ सॉल्यूशन. फोर्थ सॉल्यूशन में देखिए हम क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू हमने रख दी है 3. इक्वेशन लिखिए, 2x plus y is equal to 7. x की हमें कितना रखना है, 3 रखना है. 2 into 3 plus y is equal to 7. 6 plus y is equal to 7. y is equal to 7 minus 6. राइट साइड गया, साइन चेंज आ गया यहाँ पे. y is equal to 1. तो सॉल्यूशन आ गया ना हमारे पास, 4 सॉल्यूशन. x कितना रखा हमने, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है. तो हमें 4 सॉल्यूशंस बताने थे, चारों सॉल्यूशन हमने निकाल दिए. ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये थर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, और ये आ गया सॉल्यूशन नंबर 4. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन के. इक्वेशन जैसे कि आपको नजर ही आ रहा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट 1 है, और साथ में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक्स है और दूसरा आपका क्या है, वाई है. यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, पाई गिवन है. तो हमें क्या बताना है, सॉल्यूशंस बताने हैं. तो रखते हैं हम पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने रखी है 0, फिर हम दूसरे में रखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी, 1, फिर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, फिर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 3, और हमें चेक क्या करना है, वाई की वैल्यू क्या क्या आएंगी हमारे पास, और वो हो जाएंगे हमारे पास सॉल्यूशंस. तो पहले लिख लीजिए क्या है आपके पास इक्वेशन. इक्वेशन आपके पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. एक्स की हमें कितना रखना है, 0. पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा. वाई इज इक्वल टू 9, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई है. x आपने कितना रखा, 0 रखा. y कितना आ गया है, 9 आ गया है. तो एक सॉल्यूशन तो निकल गया ना आपके पास, 0 9. ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है. सेकंड सॉल्यूशन के लिए आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट कर लेनी है आपको. इक्वेशन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. पाई इंटू एक्स की जगह हमें कितना रखना है, 1 रखना है, रख दिया हमने. y इज इक्वल टू 9. पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9. y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो पाई है वो y के साथ क्या है, प्लस साइन में है. राइट साइड जाके साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब माइनस आ जाएगा आपका. 9 माइनस पाई, ये आ गया आपके y की वैल्यू. x की वैल्यू रखी हमने, y की वैल्यू आ गई. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आया, 1 9 माइनस पाई. ये x है और ये क्या है, y है. x की वैल्यू आप रख के देखिए यहाँ पे 2, चेक कीजिए y की वैल्यू क्या आई है. पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9.
एक्स भी हमें कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो 2 पाई है इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन आ जाएगा हमारा चेंज, तो 2 पाई ये आ गया आपकी y की वैल्यू जब हमने x को रखा है 2। तो सॉल्यूशन लिख देंगे 2 9 माइनस 2 पाई। फोर्थ सॉल्यूशन देखिए, x आपको कितना रखना है, 3 रखना है, y की वैल्यू चेक करनी है आपको, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है हमारी। x की हमें रखना क्या है, 3 रखना है, y की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। पाई को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। अब ये क्या है, पाई प्लस में है, उस साइड जाके आ जाएगा माइनस का 3 पाई, y की वैल्यू आ गई आपकी जब आपने किसकी वैल्यू रखी है, x की वैल्यू रखी है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया है, 3, 9 माइनस 3 पाई। तो 4 सॉल्यूशंस आ गए आपके पास, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, और ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 4th। आपको 4 ही सॉल्यूशन निकालना है। थर्ड पार्ट देखिए, आपको क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस निकालने, इक्वेशन आपको गिवन है। तो x को हम 1 रखेंगे, x को हम 2 रखेंगे, x को हम 3 रखेंगे, x को हम 4 रखेंगे, या आप x को 0 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी रखे आप, कोई भी वैल्यू रखे आप, y की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए अब x को अगर हमने 1 रखा तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y, 1 इज इक्वल टू 4y। तो ये 4 के साथ जो y है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 1 बाय 4 इज इक्वल टू y। देखिए हमने x कितना रखा था, 1 रखा था, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 बाय 4, तो हम 1, 1 बाय 4, ये आ गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन क्या आपकी, x इज इक्वल टू 4y, x की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है, 2 इज इक्वल टू 4y, ये 4y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये आ जाएगा इस साइड डिवाइड में, तो डिवाइड करने के बाद 2 2 जा 4, 1 बाय 2 इज इक्वल टू y। आपने x रखा था 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 बाय 2, तो x के पहले लिखा जाता है 2 और y की वैल्यू क्या है आपकी, 1 बाय 2। नेक्स्ट आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 पुट करनी है, पुट कीजिए इसको, 3 इज इक्वल टू 4y, ये 4 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, 3 बाय 4 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू रखी हमने 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 बाय 4, तो लिख लीजिए इसको 3, 3 बाय 4, ये आ गया आपका थर्ड सॉल्यूशन, ये x है आपका और ये है आपका y। अब x की वैल्यू आपको 4 रखनी है, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y, x की जगह हमने 4 रखा, ये किसके इक्वल है, 4y के इक्वल है, ये 4 मल्टीप्लाई में y के साथ इक्वल टू के इस साइड आके आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू y, 4 से 4 कैंसिल 1 पे, तो 1 इज इक्वल टू y, x हमने रखा है 4 और y कितना आ गया है 1, तो 1 4 लिखा जाएगा पहले x की वैल्यू, फिर लिखी जाएगी आपकी y की वैल्यू, x है आपका 4 और y कितना है आपका 1।